क्या आपको लगता है कि अध्यक्ष का चुनाव एक बड़ी मंजिल थी कांग्रेस के लिए? बड़ी समस्या भी थी, बड़ी चुनौती भी थी, नेतृत्व का संकट भी उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के कारण कुछ चीजें आसान हुई हैं और कांग्रेस पार्टी को जिस लड़ाई के लिए तैयार होना है उसकी उसकी दिश उस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। देखिए, ये जो चुनाव हुआ ना, ये कांग्रेस के किसी चुनाव को लेकर देश में इतना हाइप कभी देखा नहीं गया। मतलब मैं तो पिछले 40 सालों से ज़्यादा से देख रहा हूँ चीज़ों को, 40 भी कम होंगे, पर मीडिया में इस तरह का कभी आपने उत्साह नहीं देखा होगा कि जैसा इस चुनाव को लेकर हुआ। नड्डा साहब का चुनाव हुआ, आप बताइए कि कहाँ कोई चर्चा हुई, मीडिया में कुछ हुआ? नड्डा साहब को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, किसी ने पूछा नहीं क्यों दे दिया आपने, कैसे दे दिया, कैसे चुनाव हुआ, क्या कारण है कि कांग्रेस की तरफ लोग या विपक्ष इतनी इतनी उत्सुकता से देख रहा था? कोई कारण है कि प्रधानमंत्री एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देते हैं, क्या कारण होना चाहिए? वो क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? इसके दो मैसेज हो सकते थे कि भाई देखिए, आप जो बने हमारे कारण बने, हम जो गांधी परिवार और राजतंत्र और परिवार तंत्र करते रहते थे, तो उसका परिणाम है कि अब आप बन गए। एक तो वो क्रेडिट ले सकते हैं, दूसरा ये कि वो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो डरी हुई ये है कि गांधी परिवार अब आजाद हो गया, प्रियंका और राहुल जो हैं वो पायलट को मनाने और गहलोत से बात करने के मामले से मुक्त हो गए। अब उनको इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है, उनको एक आदमी मिल गया है जिसके जिम्मे ये काम है और वो करे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पुनर्गठन हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड का हो, चुनाव समिति का हो। अब कोई कह रहा था, सही भी हो सकता है, कि राज्यसभा में खड़के साहब की जगह शायद दिग्विजय सिंह को बना रहे हैं। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी के पास डरने के बहुत कारण है। डरने के कारण ये है कि अखिलेश भी स्वागत कर रहे हैं और मोदी जी भी स्वागत कर रहे हैं खड़के का, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल। चारों तरफ से इस समय कांग्रेस फोकस में है, विपक्ष की एक्टिविटीज गतिविधियों के केंद्र में इस समय कांग्रेस है। और अब इन चुनावों के बाद आप देखें कि कांग्रेस का जो उम्मीद कर सकते हैं, मतलब मैं कोई बहुत बड़े टारगेट्स के बारे में बात नहीं करता कि खड़के साहब को क्या करना चाहिए और क्या करेंगे, बहुत ही फेयर चुनाव हुए। थरूर साहब का रहना चुनाव ने पूरी चीफ प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को क्रेडिबल बना दिया, और उसके बाद इनका आना खड़के साहब का 81 साल की उम्र में। मैं अभी पिछली डिबेट में कह रहा था कि बीजेपी में अगर होते इस उम्र में तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते। कई तरह के मैसेजेस दिए हैं कांग्रेस ने अपने जितने ओल्ड गार्ड्स हैं। जैसे ही खड़के साहब का की उम्मीदवारी घोषित की, पूरा का पूरा G23 डाइल्यूट हो गया, कोई कांग्रेस के अंदर का विपक्ष गायब हो गया। आप इसको, और ये थरूर ने उनको जो वोट मिले हैं 11.4 11.4,
वो काफी वोट्स हैं, मतलब कम नहीं है, मतलब अगर बिल्कुल पिछले 2-3 चुनाव में तो सबसे ज्यादा वोट ले गए हैं वो, उनके कई गुना ज्यादा वोट है। तो जी अगर 4.5 करोड़ मेंबरशिप है कांग्रेस की, तो आप ये मानिए कि 50 लाख लोगों का समर्थन शशि थरूर ने ये कहा है कि मेरे मुझे मिला वोट या मेरी उम्मीदवारी विद्रोह नहीं है या असहमति नहीं है, परिवर्तन की मांग है, परिवर्तन का उम्मीदवार हूं। और खड़गे साहब ने जब कहा कि भाई हम कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो कलेक्टिव लीडरशिप के लिए खड़गे साहब को टाइम देना चाहिए, को मिलना चाहिए, तो मिलेगा टाइम। अभी 3 बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, 4 बड़ी चुनौतियां हैं, राजस्थान है, हिमाचल है, गुजरात है। ये जो फोकस में है पूरा का पूरा चुनाव, इसका एकमात्र कारण राहुल गांधी की यात्रा है। अगर ये यात्रा नहीं होती और चुनाव हो जाते तो आप सोचिए कि क्या होता। तो मैं इसको कोई बहुत, मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा अभी जी अपेक्षाएं नहीं है, मैं इसको देख रहा हूं। एक शॉर्ट टर्म जो विजन है वो ये है कि इससे कांग्रेस स्थिर हो गई है, वो परिवार तनाव से मुक्त हो गया है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर जितने आरोप लगते थे कि उन तक तो पहुंच ही नहीं सकते, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, किससे बात करें, फैसले ही नहीं लिए जाते हैं लोगों के बारे में, तो भैया फैसले हमको लेने ही नहीं है, जिसको फैसले लेना है उसको अपॉइंट कर दिया हमने, अब आप उनसे बात करिए। तो ये मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना है, और विपक्ष के लिए भी, देश के लिए भी, तमाम लोगों के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।